आसनसोल में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से 31 मई को मनाए जाने वाले धूम्रपान निषेध दिवस पर बच्चों को जागरूक करने व इसका महत्व बताने के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सदस्य निधि पसारी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुल 41 बच्चों ने हिस्सा लिया है और अपनी कला द्वारा धूम्रपान को रोकने का संदेश दिया। मौके पर विजेता बच्चों को पुरस्कार दिया गया, साथ ही बच्चों का मन बहलाने के लिए तरह तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सदस्य निधि पसारी ने क्या कहा। 31 मई को वर्ल्ड टोबैको निषेध दिवस है कि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई मनाया जाता है, तो हमारी समिति के द्वारा एक पहल की गई है कि हम लोग बच्चों को इसके लिए अवेयर करें, तो हम लोगों ने इसके लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। आज 29th है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे आएँ और तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो ये विषय है इस पर ड्राइंग बनाएं। तो हमारे यहाँ पे 41 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमारी पर्यावरण सकल प्रमुख है, तो हमारा ये है कि हम लोग पर्यावरण में जैसे बताते हैं कि तंबाकू या गुटखा खैनी ये सब के प्रयोग से हमारे शरीर को हानिकारक तो होता ही है, साथ साथ पर्यावरण को भी हानि उनसे पहुंचती है। तो ये इन सब चीज़ों को ही हम लोग अवेयर करना चाहते हैं, सब तक समाज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी समिति का यही उद्देश्य है। इसके लिए आज क्या बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों को हम लोग अभी ड्राइंग का 1 घंटे का टाइम दिया है, ये टॉपिक पे लोग ड्राइंग बना रहे हैं। उसके बाद इनका जो भी सेलेक्ट, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड दो ग्रुप में हम लोग कर रहे हैं। एक ग्रुप ए में 2 से 5 के बच्चे हैं और ग्रुप बी है जिसमें 6 से 8 के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो विनर्स होंगे उनको हमारी समिति के द्वारा प्राइज दिया जाएगा, साथ ही बच्चों को फूड पैकेट्स दिए जाएंगे और थोड़ा सा फन गेम का भी हमने व्यवस्था की है ताकि बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी साथ साथ हो सके, कि ड्राइंग के लिए वो बोर नहीं हो जाए, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो जाए उनका। आपका नाम और परिचय? मैं निधि पसारी, आसनसोल शाखा की अध्यक्ष हूँ।